हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐड हुआ था, उसके बाद में एक डेढ़ घंटे बाद में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी फिलहाल टाइम देखा, टाइम 11:21 पर ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर बंटी कैसा लग रहा है भैया? तो गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, छोटे को भी गर्मी हो रही है ना। बाकी ऊपर ये देखो, एक धतूरा ये सोया हुआ है। धतूरा सो गया, एक धतूरा वो रहा सुन पर बैठा हुआ है। गर्मी हो रही है, इसको ऊपर का खड़ा नहीं, ये पता नहीं टूटनी चाहिए। मेरे को नींद भी नहीं आ रही भाई, मेरे को भी नहीं आ रही नींद। शाम तक ही पहुंचेंगे हम लोगों ने। देखो जनरल भी कर लिया, स्लीपर भी कर लिया, अब डायरेक्ट एसी वाला अगली बार ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ना बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, सब बैठे रहते हैं। एसी वाले में ज्यादा भीड़ नहीं रहती, शायद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी ट्राई नहीं रहती ना। एसी वाले देख के आया था, ये बोल रहा ना बंटी, बोल रहा एसी वाले में ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। आधे टाइम का भी पहले बुक करवा रखा है, अब अगली बार जैसे अगली ट्रिप पे कहीं जाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट एसी वाला करवाएंगे। देखो ऐसे दोस्तों के साथ कभी नहीं जाना कहीं भी, ये अकेला बिस्किट खा रहा है और मुझे दे नहीं रहा, ये खा नहीं सकता। मेरे को खांसी लगी भैया, तो फिर बोल क्यों रहे हो? ऐसे ही मजा ले रहा, नहीं सॉरी मैं मजा ले रहा था, दे रहा था बंटी खाने को, सबको पूछ रहा था, दे रहा ऐसे कि मुझे तो लगी है खांसी। अगर पत्थर लग के खा ले, नहीं मेरे को खांसी लगी हुई है, वरना खा लेता मैं, ज्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से अकेला खा ले बंटी भैया, खा ले। वैसे भी तो छोटा है सबसे, खा, टेंशन मत ले भाई, रोना मत है ना। बोर हो रहे तो अभी हम लोग खेलेंगे लूडो, हम तीन ही खेलेंगे, तीन। तो गाइस अभी रात के लगभग 1 बजने वाले हैं, घड़ी नहीं है, दिखाना छोटे, अरे मोबाइल में दिखाना, मोबाइल का 12:39, पवन तो पहले से ही सो गया है, अभी हम चारों सोए नहीं है, ऊपर इसका ऊपर है, फिर भी नीचे आके मस्ती कर रहा है। सच बताओ ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर एक तो क्या वॉशरूम में ही सो गया है। नहीं रे, नहीं करते बेचारों को सोने, कर सकते हैं लेकिन अपन नहीं करेंगे। तो कैसे अभी रात के लगभग 2 बज गई है, सब सो गए, छोटा भी सो गया, बंटी भी सो गया, पवन भी सो गया, सिर्फ मैं जगा हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों को बोल दिया था तुम लोग सब सो जाना, मैं जगूंगा। और फिलहाल ना ट्रेन एक जगह रुकी है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, मेरी आवाज़ सुन के ही जग गया, ये सोया ही नहीं, ऐसे उड़ा हुआ था। 2 बज गए, 2 फिक्स 2 बज गए, छीन ले रहे, भरोसा नहीं भाई ये। तो गाइस सुबह के 7 बज गए, सोया ही नहीं, बार बार जग रहा था, ये अच्छे से सोया नहीं सोया अच्छे से सोया और ये तो बहुत ज्यादा अच्छे से सोया, ये अभी तक सो ही रहा है। और इनको चाय पीना चल रहा, बंटी को पिला रहे बच्चा, कोई भी नहीं पी रहा। गाइस अभी पता नहीं हम लोग कहाँ है, लेकिन पहाड़ देख लो भाई, वैसे पहाड़ मजा आ रहा है। अभी सभी के सभी उठ गए भाई, बैठ के मजा ले रहे अभी, और ये घंटी ऊपर चले गए, घंटी ऊपर चले गया, क्या कर रहा है। बाहुबली वाला पहाड़ देखो क्या लग रहा है यार, ट्रेन के बाहर का नजारा, बाहर बाहर निकल के ब्लॉग बना रहे। और यहाँ पे पता है किस लिए गए, समझदार को इशारा करके, जिस पोजीशन में खड़े हैं, बंटी की घंटी बज गई, नहीं होगा तोहार काम नहीं है, हमारे काम है, हम दोनों नहीं गए बाहर भाई। समोसा वाला आ गया, देखो समोसा वाला सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं, अरे इनको एनिमल दिखाने में ले गया था। क्या है भाई? समोसा बेचने। कितने का? 5 का 4। कितने? 5 का 4? नहीं हमको 50 का 4 चाहिए, 5 का 4 हम नहीं लेते, इतना महंगा नहीं लेगा, हमको सस्ता चाहिए, हम 50 का 4 लेगा। पता नहीं इसको, छोटे को पता नहीं, कोई समोसे वाले भैया थे, उन्होंने ये पकड़ा दिया यहाँ से, अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन खड़ी थी ना, तो इसको दे दिया, ट्रस्ट करते, तेरी शक्ल से पता चल रहा तो ईमानदार है, समझा, और बेईमान ये रहा, अब बैठे कि नहीं बैठे,
ये देखो ये वाले भैया के, ये वाले भैया के, ये भैया के समोसे। तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं समोसा, ये देखो ये समोसे मिर्ची के साथ। ये भैया ने समोसा के वो पकड़ा था, हम लोगों ने खरीदे समोसा खाते। टेस्ट कैसा है भैया? मिर्ची खाओ, मिर्ची खाना है, ठीक है मिर्ची खा लेंगे। मेरे से पूछना टेस्ट कैसा है, खाना पड़ेगा, कैसा भी खाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस कॉफी मिल गई हम लोगों को पीने वाले, और कौन की थोड़ी तबीयत खराब लग रही है इस वजह से कुछ खा पी नहीं रहा है। कॉफी 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 पहाड़ों के मजे लेते हुए गाइस हम लोग तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो गाइस अभी छोटे ने नया चैनल स्टार्ट करा है, अभी ये ब्लॉग बना रहा है। देखो इसके चैनल का नाम पता नहीं क्या है, ये इसके चैनल का नाम है। तो गाइस फिर से ट्रेन पता नहीं अनजान जगह पे रुक गई, यहाँ पे सूखा सूखा कुछ दिख रहा है, रुका सूखा सा। कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं, और बंटी को कुछ खाने के लिए लेने भेजा था, ये कुछ उठा के लाया। कितने का है? कितने का? 60 रुपए। इधर में पहुँचने वाले हैं, लेकिन भूख भी बहुत तेज लग रही है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने को मुझे भी बहुत है। आने वाला स्टेशन जहाँ पहुँच करना है, फटाफट हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, बैग वगैरह जो भी निकाल रहे हैं। सो फाइनली हम लोग उतर गए और यहाँ से बैग ले रहे थे फटाफट। पहले से यहाँ से हम लोगों ने बैग ले लिया। देखो और नहीं है, चार चार ही है, एक और कहा। इसका नाम क्या है? थीम थीम थीम। फिर क्या है? अपने अपने बैग के पास रहो भाई। और देखो कितनी सारी भीड़ है, देखो ये भाई साहब कहने के जा ही रहे हैं ये। तो गाइस हम जिस ट्रेन में बैठे थे वो अब ट्रेन जा रही है। अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे, पानी वानी भर लिया हम लोग। थी में उतरने के बाद पैदल गाड़ी चलते हुए हमारी पैदल गाड़ी स्कूल चले हम स्कूल नहीं नहीं गोवा चले, गोवा गोवा चले, गोवा तो आ गए आगे, ठीक है घूमने चले, घूमने चलेंगे हम। ना नारियल के पेड़ ज्यादा देखने के लिए मिल रहे, क्यों बोल? नारियल बहुत ज्यादा है इधर, ये देखो जितने भी यहाँ से दिख रहे हैं ना सारे नारियल के पेड़ हैं। वहाँ सामने उतरे थे हम लोग, फिर यहाँ से घूम 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 के फिलहाल अभी सामने जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर अभी हम उतरे, सामने देखो ऑटो ही ऑटो है, अब कहाँ क्या जाएंगे पता करना है भाई। आज के रुकने का हमारा कुछ है नहीं, तो एक जगह बुक करा हम लोगों ने आज नाइट के लिए 3000 रुपये में। हम लोग तो पैदल ही जा रहे हैं, जहाँ पर अभी एक नाइट के लिए जो बुक करा ना वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और अगर यहाँ से कुछ बुक करके भी जाएंगे तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। इस वजह से सोचा भजन लगे तो लगे पैदल ही जाएंगे, थोड़ा पैसा बचाए तो सही। ऐसे जा रहे हम लोग इधर पैदल 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 यात्रा। तो जो अभी एक नाइट के लिए बुक करा ना वो भी 3000 रुपये में आया, यहाँ तो बहुत पैसा लगता है। और ऐसे में अगर अभी थोड़े से पास में भी जा रहे हैं तो एक का 100 रुपये बता रहे हैं, 100 रुपये बता रहे हैं, मतलब 500 रुपये ऐसे लग जाएंगे। इससे अच्छा तो पैदल ही चले जाएंगे, उसी में फ़ायदा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आया था, आप में से काफ़ी सारे लोग आए थे, जिस जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करा होगा ना उन्होंने देखा ही होगा, मैं दिखा रहा था आसपास का एरिया गोवा का। जो जो भी उस टाइम इंस्टा पर लाइव आए थे ना, जुड़े थे ना, वो कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी तो आज के लिए तो हम लोगों ने एक रूम बुक कर लिया जो कि बहुत बड़ा है, आप लोगों को दिखाता हूँ पहले अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ से बाहर का थोड़ा व्यू देख लो ये कैसे क्या है, और ये है रूम देखो कितना बड़ा है, इसके अंदर भी है ए, तो चलता है। तो गाइस रूम से अभी हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी लिफ्ट से 1 2 3 और चौथा बंदा गया। फिलहाल हम लोग रूम से तो बाहर आ गए, आज का घूमने का प्लान क्या है वो तो अभी मुझे भी पता नहीं है, ये लोग सोचेंगे। जैसे कि अभी हम मार्केट आए थे ना, अभी तो अंधेरा हो गया, देखो 2-3 काम से आए थे, एक तो खाना भी हम लोगों को खाना है, प्लस घूमने के लिए जाएंगे ना स्कूटियाँ भी होना, तो उसी के लिए बात करने आए थे, कैसे क्या किराए से मिलेगी उसके बारे में आप भी लग रही वो तो बात कर ली। एक स्कूटी के 500 रुपये बता रहे, जो गोवा से होगा उनको पता होगा कितने का लगता है, लेकिन 2-3 जगह पूछा 500 ही बता रहे थे। तो भाई जैसे हम जो खाने का देख रहे थे ना वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, जैसे हम लोग ना बस में बैठ गए और
2 से 3 किलोमीटर घूम के एक पर्सन के 15 रुपये लग रहे हैं। सोचो महंगाई कैसी है गोवा में। तो गाइस हमको यहाँ खाना ही नहीं मिल रहा है। एक जगह गए थे वहाँ पर भी थाली मिली नहीं, मतलब पेट भर जाए वैसा खाना मिल ही नहीं रहा है। परेशान हो गए हम इधर उधर भटक भटक के। तो गाइस खाना तो इधर उधर ढूंढ रहे थे हम लोग, बट अभी कुछ भी हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत हो गई है गोवा में आके हमारे, क्योंकि यहाँ का इतना कुछ पता नहीं है। तो यही हो रहा है, नए नए कहीं जाते हैं तो ये होता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं? और गोवा में ना बहुत ज़्यादा महंगा खाना मिलता है भाई साहब। एक ही एक अपना दोनों चटनी चाहते ले लो भाई। हाँ ठंडा है ये ऊपर वाला क्या? ये ठंडा है वो पाँव नहीं गर्म से पाँव पाँव गए पाँव अभी कहीं ये कुछ इस तरह से आया देखो। कैसा है टेस्ट? अच्छा इसका तो टेस्ट अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो गाइस ये देखो भूतिया हवेली, भूतिया हवेली देखो, भूतिया हवेली ये देखो, यहाँ पे देखो लाइट बन चालू हो रही है। ये देखो अरे भूतिया है ना पवन, ये देखो। तो गाइस अभी रात के लगभग 11 बज गए, बंटी नहीं सोया है और मैं भी नहीं सोया हूँ, बाकी ब्रज पवन और छोटा ये तीनों सो गए, बाकी हम लोग नहीं सोए हैं। और थोड़ी देर पहले मैं इंस्टा पर लाइव भी आया था और आप में से काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात भी करी। जो भी मेरे साथ इंस्टा पर जुड़ा था कमेंट करके जरूर बताना। मैंने बोला था यूट्यूब पर आना, तो देखते कितने जन आएंगे और आगे की जर्नी कैसे क्या रहेगी, कैसे क्या ब्लॉग आएंगे वो तो आप लोगों को आगे पता चलते रहेगा। लेकिन आज क्या सीन हुआ तो वो तो आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया। सही से खाना भी नहीं खा पाए तो वड़ा पाव खा के अभी रात गुजार रहे हैं इतनी दूर आने के बाद, क्योंकि खाना बहुत मतलब जिस टाइप का खाना खाना था हमको नॉर्मल अपना दाल रोटी खाना था वो मिला ही नहीं, और दो वड़ा पाव में हम लोगों ने ये रात गुजार रहे हैं। और इस ब्लॉग का एंड भी कर देता हूँ। बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को किस क्या लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।